सीसीटीवी में कैद चोरों की ये करतूत दिल्ली के रोहिणी इलाके में कोई नई बात नहीं है। इस इलाके में समूह में आकर चोर दुकानों के शटर तोड़कर निशाना बनाते हैं और चले जाते हैं। ताजा मामला रोहिणी के सेक्टर 3 का है, जहां चोर मुख्य सड़क पर गाड़ी में आते हैं और एपीएन इंडिया नाम के एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का शटर तोड़ते हैं। उनमें से एक चोर हाथ में टॉर्च और एक लंबा सा पेचकस लेकर अंदर दाखिल होता है, तो लगभग 15 से 20 मिनट में शोरूम में रखा लाखों रुपए का सामान और नकदी एक बैग में डालकर निकल जाता है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सर, मुझको करीबन 8:30 बजे पता लगा। सुबह पड़ोसी का फ़ोन आया था, मेरे जैन साहब हैं, सेकंड फ्लोर पर रहते हैं बराबर में। उन्होंने फ़ोन किया था मेरे स्टाफ को लव रो, तो उसने फिर मुझको बताया कि शोरूम का शटर टूट गया है, ऐसे ऐसे चोरी हो गई। फिर हमने 100 नंबर पर कॉल किया। सुबह पुलिस भी करीबन 1 घंटे में आई है सुबह के टाइम, और अपना पुलिस ने आके अपनी इन्वेस्टिगेशन की, टीम बुलाई फॉरेंसिक, पर फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ भी नहीं थे शोरूम के अंदर किसी भी तरह से। फिर अपना हम लोग अंदर आए, अंदर आकर देखा शोरूम के अंदर, मोबाइल थे करीबन 32 मोबाइल्स थे और 7 लैपटॉप थे, और गले में करीबन 62,000 रुपीज़ थी। टोटल वैल्यू करीबन 10 से 12 लाख रुपए का मेरा सामान होगा जो चोरी हुआ है। चोरी की घटनाओं से यहां के दुकानदारों में रोष है। दुकानदार पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि इलाके में चोरी की घटनाएं बढ़ने के बावजूद पुलिस की चौकसी नहीं बढ़ाई गई है। वहीं इस घटना में भी पुलिस की लापरवाही उजागर हुई है। दुकान में लगे सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद है, लेकिन पुलिस चोरों की निशानदेही के लिए शाम तक सीसीटीवी देखना भी मुनासिब नहीं समझी, जबकि दुकानदार खुद ही आसपास के दुकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर पुलिस को दे गए। रोहिणी के हर क्षेत्र में चोरी की वारदातें बेहद आम हैं, लेकिन पुलिस चोरी की वारदातों को कितनी गंभीरता से लेती है, रोहिणी थाना क्षेत्र की ये वारदात भी उसी का एक और उदाहरण है। रोहिणी में चोरी की वारदातें कितनी भी बार सीसीटीवी में कैद होती हैं, लेकिन कभी चोर ऐसी सीसीटीवी की तस्वीरों के आधार पर पुलिस की गिरफ्त में शायद ही कभी आ पाते। हर्षित मिश्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।